तेजस्वी को डर है, तेजस्वी को इस बात का डर है कि प्रशांत किशोर कहीं बोल के पलट मत जाए। 15 साल से बिहार की राजनीति में नेताओं के बोलने से पहले ही उनके बयान को एनालिसिस हम कर लेते हैं बिना लाग लपेट के। हम 4 दिन में प्रशांत किशोर को प्रधानमंत्री और 5 दिन में चिराग पासवान को अमेरिका का राष्ट्रपति और 3 दिन में नीतीश कुमार समाप्त, 4 दिन में तेजस्वी खत्म, वो नहीं करेंगे। जिनकी जो राजनीतिक हस्तक्षेप है मैं उसको इग्नोर नहीं कर। एक और दो के कंपैरिजन में जब आप बीच में जज थे तो लोग कहेंगे अरे यार तुमको दो के खिलाफ बड़ा खराब फैसला दिए, तो दो और तीन में जब आएगा तो मैं तो दो के साथ रहूंगा ना, तो उस वक्त तीन कहेगा कि मेरे साथ खराब आपने किया, दो वाला के साथ आपने सही किया। तो दो के जो पुराने समर्थक है वो कहेंगे कल तक तो आप उनके खिलाफ थे, आज उनके साथ में कैसे है। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जांच पड़ताल लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और वर्तमान जो बिहार की राजनीति है और जिस तरह से 4 सीटों के उपचुनाव चल रहे हैं उसमें जो समीकरण बन रहे हैं उन समीकरण के साथ साथ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की वर्तमान स्थिति क्या है। चुनाव परिणाम आएंगे तो ये तय होगा कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहती है, चिराग पासवान किस तरह से अपने आप को इस चुनाव में साबित करते हैं, सफल करते हैं, या फिर एनडीए गठबंधन में जो समीकरण गढ़े जा रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ निकल के सामने आता है। 2025 के चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर इस बार 2025 के चुनाव में फैक्टर बनने वाले हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के साथ हम नमन जी से जुड़ेंगे। नमन जी, 4 सीटों के जो उपचुनाव चल रहे हैं चुनाव परिणाम को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में प्रभावित करेंगे, रिजल्ट क्या होगा ये तो देखा जाएगा 23 तारीख को, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उसमें चिराग पासवान की भूमिका और प्रशांत किशोर की भूमिका आगे कैसे देख रहे हैं। देखिए, एक तो पिछले चुनाव की घोषणा से अब तक अंतिम समय तक एक बड़ा उधेड़बुन मेरे जहन में लगातार चल रहा है कि क्या चिराग पासवान फिर 2020 की परिस्थितियों में जा रहे। कई दर्शकों ने भी कमेंट में ये बात लिखी है कि चिराग पासवान ऐसा तो नहीं कि मतलब नाखून कटा के शहीद होना चाह रहे हैं, 2020 में जो नहीं कर पाए थे वो 25 में करने को। देखिए, सीधा सीधी अगर इसका जवाब मुझसे चाहिएगा तो मैं तो यही कहूंगा कि चिराग पासवान जो कुछ करते कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो आज के लिए नहीं, वो एक बहुत लंबी रणनीति का एक छोटा छोटा हिस्सा है जो चिराग पासवान इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि कोइंसिडेंस कुछ हो रहा है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का एक ही वक्त में एक जैसा व्यवहार कहीं कहीं वो कुछ सवालों को जन्म दे रहा है। फॉर इंस्टेंस, चिराग पासवान का एक इन्होंने बयान देखा था जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर की बड़ाई भी की थी, उनके अपने विजन डॉक्यूमेंट के सिमिलैरिटीज पे भी चर्चा की थी और इशारों में उन्होंने ये भी कहा था कि आगे चल के दोनों को काम करना है बिहार में। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ काम करें आगे जी। इस बयान से रास्ते खुलते हैं। हमने प्रशांत किशोर के आज तक के बयानों को देखा है तो नीतीश, भाजपा, तेजस्वी सभी माजी सब पर हमला किया है, चिराग पर बहुत कुछ बोलते हैं नजर नहीं आया है। तो ही इज ऑल्सो गिविंग हिम स्पेस, वो ही बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं जी। दोनों की छवि बड़ी साफ रही है, कोई बैगेज लेके नहीं आ रहे हैं। रामविलास पासवान की राजनीति से अलबत्ता अगर कुछ चिराग पासवान को मिलता है तो ये मिलता है और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं और आगे अगर सही में मौसम बदलने वाला है प्रशांत किशोर का तो चिराग पासवान विल बी वन ऑफ द फर्स्ट बायर्स। जो उस दुकान अगर उनकी खुलती है प्रशांत किशोर की अच्छी चल लगती है तो शुरुआती कुछ खरीदारों में से चिराग पासवान होंगे, ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। ऐसे भी नजर आ रहा है कि बार बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का मैं दावेदार नहीं हूँ, तो हो सकता है कि चिराग पासवान की भावनाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी जी। दोनों के बीच दोस्ती होने का नहीं, दोनों के बीच दोस्ती होने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है चल के। बिल्कुल, अगर प्रशांत किशोर का मकसद यही है कि बिहार में बदलाव हो और उसका चेहरा कोई हो कारक मैं बनना चाहता हूँ तो चिराग पासवान बिल्कुल तैयार है। देखिए, तेजस्वी को डर है, तेजस्वी को इस बात का डर है कि प्रशांत किशोर कहीं बोल के पलट मत जाए कल। भाजपा को डर है, नीतीश को डर लगता है, प्रशांत पलट भी सकते हैं। प्रशांत ने कई बार अपने बयानों से हल्का फुल्का इधर उधर किया है और उसको लेकर बहुत विवाद है। उनके लोग बहुत इनसिक्योर है। मैंने एक बात पे जब उनके पढ़ाई लिखाई वाली बात पे या जिस बात पे भी प्रशांत किशोर का
क्रिटिसाइज करने जाएगा तो उनका आईटी सेल बड़ा हावी हो जाता है जी, जी, क्या नहीं, हमारे नेता में तो कोई गलती ही नहीं, हमारे नेता में कोई कमी नहीं है। आप उनके बयान को समझने की कोशिश कीजिए नमन जी, 15 साल से बिहार की राजनीति में नेताओं के बोलने से पहले ही उनके बयान को एनालिसिस हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े दुकान जो आप देखते हैं उन दुकानों की तरह हमने सजा कर नहीं रखा हुआ है, लेकिन किसी भी शहर में एक बड़ा फेमस सा दुकान भी होता है जो बोर्ड बैनर नहीं लगाता है, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके यहाँ भी खरीदार बहुत पहुंचते हैं। वो इसलिए पहुंचते हैं गुणवत्ता की, गुणवत्ता की वजह से। आप भी यहाँ इसी वजह से हैं कि बिना लाग लपेट के, हम 4 दिन में प्रशांत किशोर को प्रधानमंत्री और 5 दिन में चिराग पासवान को अमेरिका का राष्ट्रपति और 3 दिन में नीतीश कुमार समाप्त, 4 दिन में तेजस्वी खत्म, वो नहीं करेंगे। जिनकी जो राजनीतिक हस्तक्षेप है मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा। हाँ, मेरा काम ही है कि मैं आज अगर क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो कल उस किसी बिंदु पर, जब देखिए बाबा एक बात बताता हूँ, आप जब 1 और 2 के बीच में लड़ाई करिएगा कि कौन बेहतर, तो निश्चित 1 बेहतर, 1 से बढ़िया पोजीशन क्या हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जब 2 और 3 के बीच में कीजिएगा तो जिस 2 को आपने कहीं नहीं रखा था, जिसका आप, चूंकि 1 और 2 के कंपेरिजन में जब आप बीच में जज थे तो लोग कहेंगे अरे यार तुम तो 2 के खिलाफ बड़ा खराब फैसला दिए, तो 2 और 3 में जब आएगा तो मैं तो 2 के साथ रहूंगा ना, तो उस वक्त 3 कहेगा कि मेरे साथ खराब आपने किया, 2 वाला के साथ आपने सही किया। तो 2 के जो पुराने समर्थक है वो कहेंगे कल तक तो आप उनके खिलाफ थे, आज उनके साथ में कैसे है। तो इट्स वेरी सिंपल, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन उसके पीछे है, ये बिहार के राजनीतिक हस्तक्षेप चुनाव में उनके पार्टी का जो प्रदर्शन और फैसले लेने के और फैसलों पर टिके रहने की क्षमता बताती है। परिस्थितियां कही है इस मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रशांत किशोर एकदम एक लकीर का फकीर बन जाए, बर्बाद हो जाए, हटे नहीं उस विचारधारा से, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कल गठबंधन करना पड़े तो करें, सत्ता में आइएगा तब ना सत्ता परिवर्तित कीजिएगा जी। अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं बनिएगा तो दूसरे आप पर कानून बनाएंगे, बिल्कुल। आप कानून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार में आना पड़ेगा। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार में अंतर यही है जी। नीतीश कुमार अपनी सहूलियत और कुर्सी के लिए बार बार बदले, बिल्कुल। रामविलास पासवान सस्ता में हस्तक्षेप करने के लिए अपने समाज के, वो बार बार अपने आप को उन्होंने स्टैंड बदला। ये 2 डिफरेंसेस है, बिल्कुल। रामविलास पासवान एक बड़े नेता हमेशा रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सरकार बनाने और बाबा अगर वो नीतीश कुमार की तरह मुख्यमंत्री केवल बनना उनका लक्ष्य होता तो वो तो 15-5 में उनके हाथ में चाबी थी, वो ये भी कह सकते थे कि मुझे बना दीजिए, कहा ही जा रहा था, उनको तो ऑफर भी दिया गया। और कहीं ना कहीं इसी वजह से सिमिलैरिटीज जो रामविलास पासवान ने जो किया वो उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान, बट वो सेम सिस्टम और सेम जो जो किया उन्होंने वो प्रशांत किशोर में रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके बयानों में। जी जी जी, तो आइडियोलॉजिकली आई थिंक चिराग और प्रशांत दे आर सेमी ट्विन्स, और निकट भविष्य में वो स्पेस खाली होता हुआ नजर आ रहा है नीतीश कुमार वाला, उम्र के चलते हो या जिस कारण से हो, कल बिहार की राजनीति में किसी को नीतीश बनना है जी, और जी, किसी को रामविलास बनना है, और सब उसी की दौड़ में, और कोई लालू यादव बनेगा जी, कोई और भी बहुत सारे नेता उनकी जगह लेगा, कोई नया भी आएगा बनकर। लेकिन जब विराट कोहली अच्छा खेलते हैं तो उनका कंपेरिजन तेंदुलकर से ही होता है जी। जब कोई अच्छा बैट्समैन आता है और फर्स्ट बॉल से स्ट्रोक्स लगाने लगता है अच्छे, तो उसे सहवाग से कंपेयर किया जाता है। किसी का डिफेंस बहुत अच्छा होता है उसको आउट करना मुश्किल होता है तो उसको राहुल द्रविड़ से कंपेयर किया जाता है, कोई अच्छा बॉलर आता है तो उसको जवाहर सिन्हा से कंपेयर किया जाता है, कपिल देव से ऑलराउंडर कंपेयर किया जाता है। ये कंपेरिजन चलती रहेंगी, क्योंकि जब कोई कानून में भी जब एक फैसला आ जाता है तो वो डिग्री हो जाता है, बिल्कुल, इट्स बिकम्स लॉ। अगर बनने से पहले, पारित होने से पहले कानून बन जाता है, कोई फैसला कानून बनता है जी। तो उसी तरह से राजनीति में भी जो फैसले हो जाते हैं वो कानून बन जाते हैं, उनको लकीर के फकीर बनकर उसको फॉलो करना पड़ता है। आज चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों का कोर पूछिएगा मुझसे तो एक ही है, बिहार में जल्द से जल्दी परिवर्तन करना। चिराग पासवान जिस मजबूरी में फंस गए हैं, जिस विजन से चले थे वो विजन आगे प्रशांत किशोर बढ़ा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान आज जिन मजबूरियों में फंसे हुए हैं, पार्टी आगे बढ़ानी है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए, इतना आसान रास्ता नहीं है। चिराग भी जानते हैं 2020 में डैमेज करने के लिए जो प्रशांत किशोर आज कर रहे हैं वो करने के लिए गए थे चिराग पासवान, और लड़ाई बड़ी शक्तियों से है, भाजपा से है और दोनों से तेजस्वी यादव से, और ये अगर चिराग पासवान नहीं कर पाए तो चांसेस है कि प्रशांत भी नहीं कर पाएंगे, निश्चित निश्चित। लेकिन आगे की संभावना अगर आप लड़ लेते हैं ना,
तो आपको एक आप हार भी गए तो आपको समझ आता है कि अच्छा लड़ाई ऐसे होती है, आपको कुछ मिलता है उससे। बिल्कुल, चिराग उससे सीखे हैं। पार्टी टूटी नहीं होती तो चिराग पासवान और ज्यादा हार से जाते हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, पार्टी टूटी नहीं होती तो चिराग पासवान आज इंडिया का हिस्सा इतनी सहूलियत से नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी और परिस्थिति में होता और कुछ और बड़ा बार्गेन कर रहे होते। लेकिन पार्टी टूटी इस वजह से चिराग पासवान की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हुई और उन्हें भी लगा कि ठीक है फिलहाल के लिए ये सही। मानते हैं कि आप बहुत बड़े हेलीकॉप्टर से घूमने वाले लोग होंगे, आप हवाई जहाज से जाते हैं, आप फ्लाइट बुक कर लेते हैं, लेकिन खाली नहीं है सीट जी, तो ट्रेन से जाना पड़ेगा ना। तो चिराग पासवान उसी ट्रेन यात्रा पर है लेकिन नजरें वहां है। अब बात है कि क्या इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से बिहार के राजनीति में एक स्पेस मिलता जी। है जो स्पेस प्रशांत किशोर को लॉन्च करने के लिए उनको अपने आप को मिल गया। आज चिराग होते तो प्रशांत किशोर कोई पूछता नहीं जी। आज चिराग तीसरे मोर्चे में होते तो कोई प्रशांत किशोर को नहीं पूछता, या प्रशांत किशोर आते तो चिराग के पास जाते। लेकिन अब जो चिराग पासवान ने छोड़ दिया वो जो स्पेस छूट गया उनसे, हाँ, तो अब वहां तो खेलेंगे जी, जी। अब वहां खेल रहे हैं वो। अब जैसे भारतीय टीम का कल आपने देखा T20 टीम खेली, बहुत सारे खिलाड़ी जो पिछले टूर्नामेंट में थे वो नहीं थे। आप भी सोच रहे होंगे, दर्शक भी सोच रहे होंगे कि कहाँ है वो खिलाड़ी। अच्छा करें शिवम दुबे कहाँ है, नीतीश रेड्डी इतना अच्छा खेलते पिछले टूर्नामेंट में, अच्छा रन मारते, वो कहाँ है। भारतीय एक टेस्ट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ जी, वो भी एक बहुत मजबूत चल रहा है वहां पर लड़ाई, क्योंकि टेस्ट में बॉर्डर गावस्कर को ट्रॉफी होनी है, वहां इंडिया की टीम जानी है। तो उससे पहले जो यंगस्टर्स है जिनको उस टीम में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन खराब हुआ है न्यूजीलैंड में, तो कुछ अच्छे खिलाड़ियों को उसमें पिछले T20 में छाटा गया और उनको टेस्ट खेलने के लिए भेजा गया है। तो वहां पर साई सुदर्शन और जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं जिस बैकवर्ड पर वहां खेल रहे हैं, उसी में नीतीश रेड्डी है, वही बैकअप में सबको रखा गया है। तो इस वजह से चूंकि वो बड़ा वो बड़ी लड़ाई है, तो T20 में आपको वो खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल पूछिएगा तो जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं तो कल भुलाते भुलाते पहुंच जाएगा जगह। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 2020 की चर्चा बार बार होती है कि नीतीश कमजोर हुए, लेकिन 2020 में क्यों? आप 2015 से 2010 से उठा के देखें, 2010 की स्थिति 2015 में कम हुआ, 2020 में उससे भी कम हुआ, और प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2025 में तो उनको 20 पर ला के रखा। नहीं, ये कैसा? नहीं, मैं प्रशांत किशोर या तो अतिशयोक्ति में बोल रहे हैं या प्रशांत किशोर को राजनीति के कारण बोल रहे हैं। राजनीति में बहुत सारा बात बोलते हैं, जैसे हर बार तेजस्वी यादव बोलते हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, धुआं कमार देंगे, अपराध धुआं कमार देता है हर बार जी। हर बार की स्थिति यही रही है, तो आगे भी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो सही नहीं हो रही है जी। आप जान लीजिए वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रेडिक्शंस है। नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर का लगता नहीं है कि राजनीतिक लड़ाई है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। देखिए जो नहीं कहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार के प्रति प्रशांत किशोर की भावना राजनीतिक कम और व्यक्तिगत और निजी ज्यादा लग रही है। उनकी लड़ाई नीतीश कुमार से इस बात की कम लग रही है कि बिहार का विकास नहीं किए, इस बात का ज्यादा लग रहा है कि हमको विकास करने का मौका नहीं दिए, उत्तराधिकारी नहीं बनाया। बोल वो जो आप बोल रहे हैं मैं उसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे बिहार का विकास करने का मौका नहीं दिया जी। मुझे एक बार दिया होता मौका, ये कैसे हो सकता है कि जो प्रशांत किशोर 2015 में नीतीश कुमार को लालू के साथ जाते समय उनके साथ खड़े थे और ये कह रहे थे फिर से एक बार हो बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, वो प्रशांत किशोर ऐसा क्या जान गए 17 के बाद कि नीतीश कुमार से नफरत हो गया? क्या जान गए कि नीतीश कुमार पलटते हैं? क्या जान गए कि नीतीश कुमार लालू के साथ जा सकते हैं? क्या जान गए कि नीतीश कुमार फैसला लेकर फैसलों पर अधिक नहीं रहते हैं? क्या कि शराबबंदी लागू कर दिया? क्या गलती नीतीश कुमार ने की जो आपके साथ रहते हुए नहीं की? ये सभी बात तो वही उसी समय कहने का मतलब कि नीतीश से यही ना गलती हुई। प्रशांत किशोर तो यही ना कहना चाहते हैं कि नीतीश से एक ही गलती हुई कि मैं साथ हूं नहीं, उन्होंने मुझे साथ नहीं लिया जी, मैं साथ में नहीं हूं या मुझे हम मैनेजर रहते या हम मालिक रहते तो नीतीश कुमार ठीक होते। सेम बात मैं पूछूंगा, मोदी ने 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर की सेवाएं ली, ठीक है जी। मोदी 14 के बाद इस देश में सबसे बड़ी गलती क्या किए हैं? 14 के बाद से मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद नोटबंदी शायद आप कह सकते हैं, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कोई गलती नहीं की है जी। अगर इकोनॉमिक लेवल पे कोई गलती की हो तो वो मोदी की गलती ही नहीं हो, तो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं बिल्कुल, वो अलग अलग मंत्रालय है, रेल पटरी पर से उतर रहा तो मोदी की गलती नहीं हो, रेलवे मंत्रालय गलती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गलतियां हैं। मोदी ने 2014 के बाद कोई अगर बहुत बड़ी गलती की है तो वो एक हाफ बेक्ड
नोटबंदी थी, बस। तो मोदी से प्रशांत किशोर की लड़ाई केवल नोटबंदी के आधार पर हो सकती है, लेकिन यही मोदी 2014 से पहले कौन कौन सी गलती की है, बाप रे बाप, दोनों कान पकड़ के मैं तो नहीं बोल सकता। प्रशांत किशोर क्या ये नहीं जानते थे कि 2014 के पहले के मोदी कैसे थे? निश्चित रूप से जानते थे, सब जानते थे। 14 से पहले का मोदी जो खराब मोदी थे वो उनको पसंद थे, उनके साथ काम कर रहे थे ये, उनको प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान, अपने मुंह से ये कहते हैं मेरा ही है। और ये आपने इस देश पर एक नार्सिसिस्ट नेता थोप दिया, आपने बिहार पर एक आपके हिसाब से पलटू नेता थोप दिया जी। दोनों गलतियां आपने की। अब आप कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए ना, हम अच्छा प्रत्याशी चुन के लाए हैं। भाई दो बार गड़बड़ा गया, तीसरा फूल मी वंस सेम ऑन मी, फूल मी ट्वाइस, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा फिर मैं, फूल मी वंस सेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस सेम ऑन मी, अब फूल मी थ्राइस नेवर, मौका ही नहीं देंगे। प्रशांत जी वकील खोज लीजिए बढ़िया। देखिए खैर अगेन ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जो बेलागंज है, इमामगंज है, इन सीटों पर समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान को, क्योंकि बिहार के सारे नेता इस चुनाव में एक्टिव हैं, चिराग भी एक्टिव है, हो गए कम से कम कल, लेकिन आज कल जो बचे हुए समय हैं इसमें चिराग पासवान को निश्चित ही होना चाहिए, कहां इमामगंज होना चाहिए जहां माझी जी फंस गए बेचारे जी। इमामगंज में जहां पासवान प्रत्याशी उतारा है जन सुराज ने, जहां माझी और माझी की लड़ाई हो गई है, जहां 30-35 हजार दलित का वोट है चिराग पासवान का, वहां चिराग पासवान अगर जाएंगे तो माझी जी का मदद हो जाएगा। अगर वहां जीत हार का फैसला करने की क्षमता चिराग के पासवान के पास है, कम से कम मोड़ सकते हैं माझी की तरफ मोमेंटम। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या माझी से जो विवाद हुआ है राजनीतिक, उसके चलते चिराग नहीं जा रहे हैं, या प्रशांत किशोर ने जो पासवान प्रत्याशी दिया है इसके चलते नहीं जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात। अगर देखिए राजनीति में लोग अक्सर कहते हैं पहला वाला कारण नहीं होगा, अरे इतना छोटा सा विवाद के साथ थोड़े चिराग बदला लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहला कारण हम मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन की नहीं करते ऐसे नेता। दूसरा कारण तो ये बात चीख चीख कर कह रहा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच कोई टाई अप जरूर है, एक छोटी अंडरस्टैंडिंग जरूर है। और चिराग पासवान का एक ऑडियो तो 2020 के चुनाव में वायरल हुआ था तेजस्वी और बाकी समीकरणों को लेकर, तो खैर मैं बहुत उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा समझदार को इशारा काफी है। अगर कुछ हो रहा है राजनीति में तो इट्स नॉट संयोग, इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रयोग। निश्चित रूप से अगर चिराग पासवान तरारी जाते हैं, रामगढ़ जाते हैं, तो उन्हें बेलागंज और इमामगंज भी जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बेलागंज भी चल जाए, फिर भी इमामगंज ना जाए। तब देखिए एक बात और मैं दर्शकों को कह दूं, ये वीडियो हम लोग शाम में रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, शाम में 9 तारीख की शाम में जी, 8 तारीख सॉरी 8 तारीख नहीं 9 तारीख 9 तारीख 9 तारीख की शाम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो 10 तारीख की सुबह जो 10 तारीख की सुबह में आपको दिखने वाला है, कल के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बीच फैसला बदल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो के तुरंत बाद फैसला बदल जाए। ये वीडियो सुबह में आ रहा है इसलिए दर्शकों थोड़ा प्रमाण नहीं है कि इस तरह का हो ही रहा है, प्रमाण नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है, पॉलिटिक्स इज अ साइंस, साइन है, साइन हम मानते हैं कि एक साइन आ रहा है जरूर कि इस तरह की वेव आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा। देखिए मैं 25 के चुनाव के पर्सपेक्टिव 25 में तो मुझे बहुत कुछ ये होता नजर नहीं आ रहा। चिराग बहुत स्मार्ट है, वो समझते हैं कि घाटा नुकसान नाफा सब देख लेते हैं कि जो मैं लगा रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे आ रहा है कि नहीं। 2020 में कुछ साबित करना था इसलिए वो गए थे तीसरे मोर्चे में। मुझे चिराग पासवान बिहार में जबरदस्ती झंडा भाजते नजर नहीं आएंगे, और अगर ऐसी परिस्थितियां आगे चल के होती हैं नीतीश के बियॉन्ड, नीतीश के रहते चिराग और तेजस्वी और बाकी लोगों के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। नीतीश जब बिहार का स्पेस छोड़ देंगे तब तो निश्चित ही आप अगर बिहार में किसी को बहुत ज्यादा एक्टिव देखिएगा, प्रोएक्टिव देखिएगा, तेजस्वी यादव से भी ज्यादा एक्टिव, बाकी नेताओं से भी ज्यादा, वो चिराग पासवान ही होंगे मुझे लगता है।
उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। यानी चार सीटों को अगर देखा जाए, चार सीटों के परिणाम पर बहुत कुछ असर करता है 2025। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। आप देख रहे थे जांच पड़ताल, और जांच पड़ताल में हमने वो बातें बताने की कोशिश की जो भीतर ही भीतर चल रही हैं। साइन जरूर मिल रहा है, क्या होगा इस चुनाव परिणाम तक इंतजार आप भी कीजिए। और जैसा कि नमन जी ने बताया भी कि हो सकता है कि आज जब ये खबर देख रहे हों तो बिहार की राजनीति में एक और कोई नया चीज़ देखने को मिल जाए आपको। चलिए, हमारी नज़र तो बनी हुई है बिहार की राजनीति पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।